यहाँ पे जी है दिन का टाइम, और मैंने हसन को सुला दिया था और मैं कॉफ़ी पी रही थी क्योंकि मैंने खाना कुछ नहीं खाया था, ना रोटी खाई थी ना कुछ। सो इस वजह से जो है कॉफ़ी पी रही थी, क्योंकि जो सालन था वो मुझे पसंद नहीं था इसलिए। और अभी जो है ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, सो इससे ही होता है कि आपको मतलब भूख नहीं लगती। यहाँ जो है उसे नोट किया था, सुबह शाम का टाइम है और चाय मैंने बना के दे दी थी और अपनी में ले आई थी, और साथ ये जो है केक ट्रेस ये मैं लाई हुई थी। सो ये हसन को भी दिए हैं और ख़ुद भी खा रही हूँ क्योंकि मैंने दिन को जो है खाना नहीं खाया था। सो ये है जी चाय के साथ ये केक रस ले रही हूँ, और कॉफ़ी की वजह से होता है कि भूख नहीं लगती। सो ये उमेर आए थे, उनका मैंने रोटी बनाई थी और अभी उनको दूंगी, और ये सालन बना हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सर जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैंने सोचा कि आज किचन से जो है व्लॉग स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अभी मैं काम करने आई थी तो मैंने सोचा स्टार्ट। और इसके अलावा जो भी रूटीन होगी नाश्ते से लेके जो भी करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। सो आप जो है आपके लिए जो घर की रूटीन है वही होगी। सो आपने क्या करना है, आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो जल्दी से। हसन आपको धूप में अच्छा लग रहा है? नो हसन, आओ दूध वाला है, आओ दूध वाला। ओ आराम से, अभी नहीं आया अंकल। ये है दिन नाश्ता, और हसन के लिए मैंने ये स्क्रैम्बल्ड एग बनाया था, चाय बना रही थी, और उसके बाद जो है अपना नाश्ता बनाती हूँ। ये है मैंने एग फ्राई अपना किया, मतलब हाफ फ्राई रखूँगी, फुल फ्राई नहीं करना। सो आज ये बना रही हूँ और उसके बाद नाश्ता करूँगी, और सारा जो होगा रूटीन आपके साथ वो शेयर करूँगी। सूरत हाल, और जल्दी जल्दी से किचन साफ़ करते हैं, फिर सालन बनाना है, फिर रोटी, और वो मैं देखूंगी बाहर से मंगवाती हूँ या इधर बनाती हूँ। सो जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं जो पहले ही स्टार्ट कर चुकी हो, सो धोना स्टार्ट कर। अभी जी बनाने लगी हूँ सालन, और आई डोंट नो, आई हैव 3 ट्राईपॉड्स, लेकिन मतलब मुझे पता नहीं क्यों यूज़ करते हुए मोट पड़ती है। मेरे पास मतलब 3 है, एक बड़ा वाला स्टैंड है, एक मतलब आप नॉर्मल किचन के लिए जो यूज़ होते हैं कुकिंग के लिए वो है, और एक सेल्फी टाइप सेल्फी स्टिक्स टाइप है जो लाइट वाला था जो मैंने दिखाया था वो है, आई डोंट नो। यहाँ पे जी बना रही हूँ सालन और चिकन आलू और टमाटर कट करने लगी हूँ, और साथ साथ जो है ऑफिस का काम भी चल रहा है। लाइक 9 बजे सुबह स्टार्ट करती हूँ रात के 12-1 बजे तक, और इंतहाई इंतहाई टफ रूटीन है क्योंकि ऑफिस का जो मतलब हमारी टाइमिंग है ना वो कोई भी टाइमिंग नहीं है। सो इतना मतलब किसी के भी इतनी मुश्किल जॉब नहीं होगी जितनी मेरी है, जो IT आउटसोर्सिंग में करते हैं उनको पता होगा। ये जितनी भी कंपनीज हैं IT आउटसोर्सिंग की, ये इनके ये हालात होते हैं कि कोई टाइम टेबल नहीं है। साथ साथ घर का काम हो रहा था, साथ साथ ऑफिस का काम हो रहा था, और ये जी बना रही हूँ मैं, टमाटर काट रही थी और चिकन और आलू बना रही थी। रेडी भी हमारी बन गई है, आलू कट कर दिए हैं, आलू कट कर दिए हैं, और चिकन जो है वो चिकन थोड़ा सा श्रिंक हो जाए, थोड़ा भून जाए, फिर मैं आलू ऐड करती हूँ उसमें। ये जी मैंने डाल दिए हैं आलू भी और चिकन भी, और अब जी फ्राई हो रहे हैं।
ये जो बच्चा है ना इतना कोई तंग करता है ना, कितना मेरे साथ ही होता है। सालन जो है ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, बस तेल छोड़ता है तो फिर रेडी हो जाएगा। धनिया मिर्ची डाल दूंगी। हसन बोर्ड ड्रामे बाज हो, आपको क्या क्या चाहिए बताओ मुझे, क्या क्या चाहिए आपको? आपको हॉर्स भी देखना है, आपको बक्का भी देखना है, कुकू भी देखना है, और नहीं और अच्छा ऊच होच। अच्छा होश कैसे कहते हैं होश को, कैसे बुलाते हैं होश को? होश। और गाड़ी को क्या कहते हैं? आपने बाइबल किया था उसको? अच्छा और होश ने कैसे किया था आगे, गुच्छा किया था? अच्छा और कैटो आपको कैसे कहती है, और डॉगी कैसे करता है? और डक कैसे करती है? हाँ। और आप बूम बूम पे कैसे बैठते हो? गाड़ी कैसे चलाते हो? गाड़ी कैसे चलाते हो? बूम बूम कैसे चलाते हो? पीपी। क्या? पीपी। पीपी। अच्छा ठीक है। अभी आपने सोना नहीं है, मुझे बताओ सोना नहीं है? होश देखना है। तो आपने सोना कब, आपके सोने का टाइम है? होश नहीं, होश ही देखना सिर्फ, और होश देखना है। ये है दी हसन के होश। वाओ हसन क्या देख रहे हॉर्स? हसन क्या देख रहे हैं? हॉर्स क्या देख रहे हैं? वाओ कैसे वाओ करते हैं? वाओ।